देखिए हल्की सी बारिश में फिर से पानीपत के जो बाज़ार हैं उनके हालात आप देखिए, और दूसरी तरफ देखिए लंबी लाइन जो है वाहनों की लगी हुई है, वो तस्वीरें भी आप देखिए। हल्की सी बारिश हुई और बाज़ारों के फिर से हालात इसी तरह से बन गए। रोड पे भी आना आप, क्या हो गया, यहाँ आए थे बाज़ार में आप? बाज़ार में तो जा रहा हूँ अभी। कैसे जाओगे? बस पानी भर रहा, मजबूरी है, जाना पड़ेगा, क्या करूँ। आपको नहीं पता भाई इतने सारे पानी में फंस हो गया? बस क्या करें, मजबूरी है, काम, रोटी तो खानी है। ईदगाह रोड पे बहुत बुरा हाल है, नाला बनता बनता वो बीच में इतना इतना गैप है जी। विकास है, विकास क्या करेगा, जब मरी जाएंगे उसमें डूब के बच्चे, जब बच्चे ही डूब के मरेंगे विकास क्या करेगा, ये बताओ आप। ईदगाह रोड पे आप हालात अपने कैमरे में ले, आप उसमें दिखाओ पब्लिक को, पता लगे विकास क्या है, क्या है क्या नहीं। रोज आते तो वहाँ अधिकारी और नेता रोज आते हैं देखने के लिए? नेता आते हैं, ठीक है, वो बस ऐसे ही, कोई हाल नहीं है जी। पब्लिक जो ठेकेदार है उसको बहुत रिक्वेस्ट करी, कल से काम बंद पड़ा है, बहुत ही रिक्वेस्ट करी हमने, कोई सुना ही नहीं भाजी। सुनते क्यों नहीं, सुनते हैं नेता, बस नेता सुन ही रहे आपकी? नहीं नहीं, ठेकेदार ने अपना लारा लगा दिया भाई, अभी लेबर आ रही है, अभी आ रही है। देखिए बाइक, देखिए तालाब जैसा यहाँ बाजारों के हालात हैं वो देखिए, जो भी लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों में आए थे वो बाजारों में फंस गए, कई गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं बाजारों में, देखिए हालात आप देखिए खुद और अंदाज़ा लगाइए पानीपत के बाजारों के ये हालात हैं। ये फिलहाल जो तस्वीरें हैं हम पानीपत के इंसार बाज़ार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तमाम बाज़ारों के हालात ऐसे ही हैं। चोड़ा बाज़ार की बात करें, आगे बात करें, और पीछे हमने आपको जो है तस्वीरें भी दिखाई थी कई दिन पहले अमर भवन चौक के साइड, वहाँ भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। ये देखिए गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, और दूसरी ओर देखिए कई लोग अभी भी यहाँ खड़े इंतज़ार कर रहे हैं, खरीदारी करने के लिए आए थे लेकिन सामने बाज़ारों के हालात देख रहे यहीं पर रुक गए हैं। काफ़ी देर से आप खड़े देख रहे हो? हाँ जी। क्या देख रहे हो? यही देख रहे हैं निकलने का रास्ता, जरूरी काम के लिए निकल के आए हैं, वैसे तो कौन निकलता बाहर, जब मेन मार्केट का यही हाल है तो हमारे कावड़ी रोड का क्या होगा। कावड़ी रोड पर देखो 3-3 फुट रोड पानी है, एक बार वहाँ भी चले जाना। इसके लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसको अच्छा बनाया जाएगा थोड़े दिन में, अभी ये तैयारी कौन करेगा, कौन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना। नेता कर रहे हैं? कोई नेता नहीं आना यहाँ, वोट के टाइम आते वैसे कोई नहीं आता, जब वोट लेने होते ना तब आते, वैसे कोई नहीं आता। नहीं, नेता कह रहे हैं सबसे ज्यादा विकास पानीपत में हुआ है। पानीपत का तो देख रही है विकास है, आप देखो क्या विकास है पानीपत का, कोई विकास नहीं हो रहा पानीपत में। करोड़ों रुपए खर्च तो किए जा रहे हैं आप कह रहे हैं? जा रहे हैं कहीं नहीं, पैसे एक भी नहीं कहीं भी नहीं। आप हमारे कावड़ी रोड कबाड़ा बना हुआ है, जाके देखो आप, हम इतने इतने पानी में निकल के आए, मजबूरी है ना। सड़कें बनी हैं, आप कह रहे हैं खा रहे हैं पैसे, कितना विकास तो हुआ पानीपत में? क्या कितने कितने ग्रांट आ चुके हैं, एक सड़क बना दी उसमें हो गया काम, कुछ भी नहीं है। अब ये देख लो ये आपके सामने भी विकास है, कुछ भी नहीं है। क्या खरीदारी करनी है? मैंने तो बुक लेनी, जरूरी पेपर है कल का लड़की का पेपर के लिए, वैसे कौन आता है इतनी उसमें, अब कैसे ले ये देखो। बुक लेने के लिए आई थी लेकिन महिला, और पानी के हालात देखकर बाजारों के हालात देखकर यहीं पर रुकी है, इंतज़ार कर रही है कि आखिर पानी कम हो, पानी यहाँ से निकले, और उसके बाद पैसे लेकर निकाल रहे हो? हाँ जी। कितने पैसे में निकल लेके आए हो? फ्री में। पैसे लिए? फ्री। फ्री में लेके आए हो? जूते निकाल लिए और क्या करें भाई, हालत ऐसी है, सरकारी जीरो जीरो साढ़े बंद पड़े, क्या करें इसका। तो आप जूते डाल कर दे, अब हाथ में लेकर जा रहे हो, क्या करें, सरकार ने रखवा दिए जूते हाथ सिर पे, और क्या करें। पता था जूते हाथ में उठाने पड़ेंगे? हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं पता था। देखिए लोग आए तो थे खरीदारी करने के लिए लेकिन बाजारों में फंसे हुए हैं, बाजारों में हालात घुटने घुटने पानी बाजारों में जो है भर गया है, निकासी व्यवस्था पूरी तरफ से ये कह सकते हैं कि ठप है। देखिए कितने लोग इस गंदे पानी में जो है फंसे हुए हैं, पूरी तरह से जो नाले हैं ओवरफ्लो हो चुके हैं, और इसी गंदे पानी से
होकर अब यह जो लोग खरीदारी करने के लिए आए थे वो अब फंसे हुए हैं, कई गाड़ियां पानी के अंदर ही फंसी हुई है। भाई पानी भर रहा, आए थे खरीदारी करने के लिए। भाई बहुत ज्यादा पानी है इधर, बहुत ज्यादा पानी है इसलिए अंदर नहीं जा रहे। देखिए जो लोग बाजारों के अंदर गए थे वो इस गंदे पानी में फंस गए हैं और अब निकल रहे हैं। कई गाड़ियां देखिए धक्के लगा करके गाड़ियों को पानी से लेकर आ रहे हैं। ये पानीपत के इंसार बाजार की तस्वीरें हैं, और भी आगे जो बाजार है उनके भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। और पीछे की यदि तस्वीर देखें, देखिए लंबे जाम की स्थिति पानीपत में इस वक्त बनी हुई है। लंबा जाम बस स्टैंड से लेकर संजय चौक तक और उससे भी आगे तक गाड़ियों की जो है इसी तरह कतार मेन हाईवे नेशनल हाईवे पर लगी हुई है। देखिए काफ़ी समय से गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं, धीरे धीरे करके जो है वाहन यहां से निकल रहे हैं आगे, क्योंकि संजय चौक पर भी बताया जा रहा है इसी तरह जो है जल भराव है। देखिए आपको काफ़ी परेशानी हुई होगी। हाँ जी, बहुत परेशानी हुई है साहब, यहाँ खड़े थे अभी गिरने से बच गए हम। और ये बैसाखी है दोनों हाथों में और फिर भी इस गंदे पानी से निकल रहे हैं, परेशानी जरूर है। आप भी काफी देर से इस पानी से होकर निकल रहे थे? हाँ सर, बहुत देर हो गई हमें। देखिए एक्टिवा को किस तरह से लाया गया है, और देखिए जो भी लोग इस बाजार से निकल रहे हैं नेताओं को जरूर कोसते नजर आ रहे हैं। कई गाड़ियाँ तो यहाँ पर बंद खड़ी हैं, अधिकारियों को कोस रहे हैं, नेताओं को कोसते नजर आ रहे हैं कि विकास के खर्च पर पैसे लगाए नहीं जा रहे बल्कि पैसे खाए जा रहे हैं। आप पहले जब गए थे बाजार के अंदर आपको पता था ऐसे तरह फंस सकते हो? नहीं, ऐसे नहीं था, पहले तो सूखा था है। जब मैं आया तो यहाँ तक आया इस दुकान तक, तो जब ही बारिश शुरू हो गई और भरना शुरू हो गया पानी, और वहाँ बचने के लिए खड़ा हो गया। भाई मोदी का आगे घेर दो है, सारा पानी में भीग गया। चक्कर आगे चलते, चक्कर भी आगे चलते चलते पानी पानी हो रहा है सारी सड़क में, इसे मोदी पे घेर दे। इतनी दूर से 1 किलोमीटर के आसपास से पानी हो रहा है यहाँ पे, इतनी गंदगी है पानी में को निकल के आए। नेताओं पर जो है भड़क रही है महिला, क्या लग रहा था आपको आप फंसोगे पानी में? ऐसे पानी पानी है कई किलोमीटर, समाधान कभी भी होना। मोदी तो अपना वोट लेने, इतना पैसा खर्च किया जा रहा है विकास पर, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। 3-4 साल पहले भी यही होता था और अभी भी यही है, कुछ नहीं हो रहा विकास में कुछ। यार देखो आप कितनी दूर तक पानी भरा हुआ है, पैसा तो खर्च किया जा रहा है बाजारों में विकास। अगर होता तो दिखाई देता ना, खर्च हो रहा है देखो आप, आपको बहुत पैसे करोड़ों रूपए लगाए हैं, तो वो आप जानो। देखो आप सामने, आपके करोड़ों रूपए देखो आप, करोड़ों रुपए लगाए गए हैं विकास पर, वो सामने हैं, यहीं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। देखिए हालात देखिए, और जो भी लोग इस पानी से निकल कर आ रहे हैं वो नेताओं पर कहीं ना कहीं जो है अपना गुस्सा भी निकाल रहे हैं। हालात देखिए, सुबह गए तो थे गाड़ियों पर लेकिन अब उनको धक्का लगा करके बाजार से बाहर लेकर आ रहे हैं। आप भी जाने की तैयारी कर रहे हो क्या? हाँ तैयारी तो कर रहे, भाई जा तो नहीं सकते, वहाँ तक तो सारे जूते निकाल के रखने पड़ेंगे। अच्छा। इतना बुरा हाल है पानी का भाई, बहुत बुरा हाल है। जाओगे? नहीं अभी तो नहीं सोच रहे जाने की, अब क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ेगा, काम है। थोड़ा रुक के जाएंगे, थोड़ा पानी कम हो जाएगा धीरे 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 धीरे, इसलिए। लगता आपको करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, दावे किए जा रहे हैं? दावे किए जा रहे हैं लेकिन करोड़ों रुपए नहीं खर्च किए हैं। कहाँ लग रहे हैं अब? पता नहीं कहाँ लग रहे हैं, यहाँ तो लग नहीं रहे, यहाँ तो कोई करोड़ों रुपए लग नहीं रहे भाई। देखिए बाजारों से निकल कर आ रहे हैं और गाड़ियों को धक्का लगा करके लेकर आ रहे हैं। हाँ कुछ नहीं हाँ। देखिए कोई गाड़ियों से तो कोई रिक्शा से यहाँ बाजार के जो पानी से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। अरे पीछे भी है, लेकर लेते हैं ये पैसे, और कैसे फ्री में कौन लेके जाएगा, अगला मेहनत कर रहा है पैसे तो लेके जाएगा ही जाएगा वो तो। कहाँ से लेकर आ रहे हो? सलारगंज गेट से।
तो नगर निगम ने सोचना चाहिए ना, नगर निगम तो खर्च कर रहा है, तो ये खर्च हो रहा है आपके सामने है, तो जो भी है ठीक है ना। देखिए लोगों को का परेशानी जरूर उठानी पड़ रही है, गाड़ी को लेकर तो गए थे लेकिन अब उसको पैदल धक्का लगाकर लेकर आना है। गाड़ियाँ यह स्टार्ट नहीं हो रही, मिस्त्री ने बुलाओ यहाँ से। ये दिख रहा है सर, बारिश के कारण पूरे चारों तरफ से पानी पानी हो रहा है, कहीं भी आने जाने की सुविधा नहीं। स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी? नहीं तो गाड़ी स्टार्ट हो रही नहीं, आने जाने का रास्ता। बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो भी वहाँ पीछे रुकी हुई हैं दुकानों में, बिल्कुल धजिया उड़ी हुई हैं। इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं? बहुत ज़्यादा। प्रशासन सरकार की तरफ से तो आते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं लेकिन कोई करने वाला ही नहीं, खाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। सरकार के इसमें कोई दोष नहीं है। खा कौन रहा है फिर जब सरकार के जो तो छोटे हैं नीचे की तरफ आते हैं, ठेकेदार के साथ जो मिली भगत होती है वो ये काम करते हैं, सरकार ऐसा नहीं करती। सरकार तो पूरा पूरा सरकार की तरफ से पैसा खर्च किया जा रहा है विकास के नाम पर, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं ये कहा जा रहा है कि वो पैसे खा रहे हैं, लगाए नहीं जा रहे। देखिए जो भी लोग यहाँ पर आए थे खरीदारी करने, गाड़ियाँ बंद हो गई और काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। और सामने तस्वीरें देखिए, लंबा जाम लगा हुआ है पानीपत नेशनल हाईवे से। हम तस्वीरें आपको दिखाई, बाजारों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि लगातार हम आपको शहर के हालात दिखाते हैं, शहर की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह के हालात। देखिए हल्की सी बारिश हुई और उसके बाद किस तरह के हालात पानीपत में बने हैं वो आपने भी देखे। और जो यहाँ पर इस पानी में फंसे हुए हैं, जो खरीदारी करने के लिए जो लोग आए थे वो भी, उनकी भी आपने बात सुनी कि किस तरह से नेताओं पर अपना गुस्सा वो निकाल रहे हैं। लेकिन लोगों से अपील यही रहेगी कि कहीं आप इस आफत में ना फंस जाओ। ज़रा आज आप निकल रहे हैं बाज़ारों में तो सोच समझ कर निकलिए, इस खबर को जितना भी हो सके शेयर जरूर करें। सहयोगी धर्मवीर सैरव के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़, पानीपत।